सातवीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। मैं विजय कुमार, बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी, हिंदी शिक्षक बोल रहा हूँ। सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। अब मधुलिका जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है नींव की ईंट। तो नींव की ईंट शीर्षक पाठ का उद्देश्य क्या है, पहले हम लोग इस पर एक नज़र डालते हैं। समाज तथा देश कल्याण, साहस, कष्ट सहिष्णुता, बलिदान की भावना का विकास करना, ये मूल बिंदु हैं कि हम कैसे समाज तथा देश का कल्याण कर सकते हैं। उसके लिए हमें साहसी होना होगा, कष्ट सहिष्णु बनना पड़ेगा, यानी कि कष्ट सहन करने की शक्ति उत्पन्न करनी होगी, और बलिदान का क्या महत्व है, बलिदान की भावना को हम किस तरह से विकसित करें, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। अब पाठ प्रवेश करते हैं हम लोग। नींव की ईंट यह एक निबंध है, यह कहानी नहीं, एक निबंध है, और इसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। पाठ का नाम नींव की ईंट। इस निबंध में रामवृक्ष बेनीपुरी जी जहाँ एक तरफ स्वाधीनता संग्राम में बलिदान होने वाले देशभक्तों का प्रशस्ति गान करते हैं, यानी वैसे लोग जो स्वाधीनता आंदोलन में अपने आप को कुर्बान कर दिए, तो उन देशभक्तों की प्रशंसा करते हैं, प्रशस्ति का गान करते हैं। तो वहीं स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात यानी आज़ादी मिलने के बाद पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने वाले लोगों तथा नेताओं की निंदा करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पद पा करके अपना दायित्व भूल जाते हैं, वे अफसोस जताते हैं कि लोगों में नींव की ईंट बनाने की इच्छा नहीं है। नींव यानी कोई इमारत होती है तो सबसे नीचे की जो ईंट होती है वही नींव की ईंट है, तो नींव की ईंट बनाने की इच्छा नहीं बल्कि कंगूरे की ईंट बनने की चाह बलवती हुई। आज हर कोई नींव की ईंट बनना पसंद नहीं करता, वो कंगूरा यानी भवन या इमारत की सबसे ऊपर वाले भाग उसी को कंगूरा कहते हैं, वही ईंट बनना चाहते हैं। यहाँ लेखक नौजवानों को नींव की ईंट बनने की प्रेरणा देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं यानी उम्मीद करते हैं कि 7 लाख गांवों के नवनिर्माण तथा हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण देश के नौजवान ही कर सकते हैं। नौजवान देश के कर्णधार हैं, उन्हीं के कंधों पर यह पूरी जिम्मेवारी है, कोई शासक इसको नहीं कर सकता। लेखक की यह आशा नवयुवकों को विचारोत्तेजना देने के साथ ही रचना को समाज के लिए उपयोगी बनाती है। तो यह इस
पाठ का मकसद है कि हम भी नींव की ईंट बने, आधारशिला बने। वह जो चमकीली सुंदर सुघर इमारत है वह किस पर टिकी है? एक प्रश्न है कि वह जो इमारत बिल्डिंग खड़ी है बहुत सुंदर चमकीली, उसकी आधारशिला क्या है? इसके कंगूड़े को आप देखा करते हैं, हम लोग सब देखते हैं, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने उसके नींव की ओर ध्यान दिया जो ईंट सबसे नीचे है? दुनिया चमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है, लेकिन आवरण के नीचे जो सत्य छुपा हुआ है उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। ठोस सत्य सदा शिवम होता ही है, शिवम का मतलब कल्याणकारी, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो, सुंदर भी हो, यह कोई जरूरी नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भत्तापन दोनों साथ साथ जन्म लेते हैं, जीते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, भद्दी चीज़ देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते। अगर नींव की ईंट का महत्व समझते तब धन्य है वह ईंट जो कट छट कर कंगूड़े पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनों को, लोचन कहते हैं आँख को, लोगों की आँखों को अपनी ओर आकर्षित करती है। परंतु वह ईंट भी धन्य है जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गिर गई, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वह इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन अस्ति नास्ति निर्भर करती है। इसलिए नींव की ईंट का भी बहुत महत्व है। उस ईंट को हिला दीजिए, क्या होगा? कंगूड़ा जमीन पर आ गिरेगा। कंगूड़े के गीत गाने वाले हम आइए अब नींव की ईंट के गीत गाते हैं कि वह नींव की ईंट कितनी उपयोगी है। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गिर गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूड़ा मिले, वह ईंट जो सब ईंटों से ज़्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी हो तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, वही जो जमीन के नीचे है दिखाई नहीं देती, अगर उसको सबसे ऊपर कर देते तो कंगूरे की शोभा बढ़ जाती। किंतु जिसने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनहसिर होती है, उसी पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित कर दिया। उसमें त्याग की भावना थी, बलिदान की भावना थी। वह ईंट जिसने अपने को 7-8 जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत बहुत मजबूत बने, वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप कबूल किया, क्यों? ताकि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ यानी साफ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी, सुनहरा प्रकाश मिलता रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व
इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर पृष्ठ देखे। सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना पड़ता है। विद्यार्थी खुद सोचें कि वह ईंट जो जमीन के नीचे है दिखाई नहीं देती, उसका महत्व ज़्यादा है। सुंदर समाज बने इसलिए तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत, शहादत यानी बलिदान, कुर्बानी, लेकिन मौन रहकर, चुपचाप मूक रहकर लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिली, प्रसिद्धि मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि मिली, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक, समाज की आधारशिला यही होती है। तो जिस तरह से ईंट सबसे नीचे रहकर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो वही भावना हम लोगों में होनी चाहिए। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए, मेरी समझ से ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। अनाम उत्सर्ग कर दिया मतलब बिना नाम, उनका उद्देश्य अपनी प्रशंसा करवाना नहीं था। उनमें कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए, उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ऊपर कंगूरा जो है उसी को देखने के आदि हो गए। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। वे ईंट, वे नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश थे जो उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। हम लोग उस कलश को देख करके बहुत खुश होते हैं, कितना सुंदर है, लेकिन जो आधार है, बेस है, जो नींव की ईंट है, उस पर हमारी नज़र नहीं जाती। तो समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। हम लोग तो इतिहास में जिनके नाम पढ़ते हैं बस यही मान लेते हैं, नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका नाम इतिहास के सुनहरे पृष्ठों पर नहीं आया, लेकिन उनका बलिदान भी सराहनीय है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। अब यहाँ पर वृत्रासुर और दधीची की चर्चा हो। दधीची एक ऋषि थे, उन्होंने अपनी हड्डी दान कर दी और उसी से वज्र बना जिससे वृत्रासुर नामक राक्षस मारा गया।
तो एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, हड्डी दे दी दधीची, तो हमें भी दधीची की तरह बनना चाहिए। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं, यह है मूल धारणा। अक्सर हम लोग सत्य किसको मानते हैं? जिसे हम देखते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। ढूंढने से सत्य मिलता है, हमारा काम और धर्म है ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना जिस पर समाज की भव्य इमारत खड़ी है। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है, बहुत समय के बाद। तो इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? नींव की ईंट चाहिए, क्योंकि उसी नींव की ईंट पर एक नए समाज का निर्माण हो सकता है, हम नया आदर्श समाज बना सकते हैं। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होर मची हुई है, सब कोई मंदिर का गुंबद बनना चाहते हैं, और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो गई है। 7 लाख गांव का नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक नहीं कर सकता। इस नवनिर्माण के लिए हमें ज़रूरत है नौजवानों की। कैसे नौजवानों की ज़रूरत है? जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, कुछ बोले नहीं, जो एक नई प्रेरणा दे, एक नई चेतना हम लोगों में भर दे, जो शाबाशियों से दूर हो। अक्सर हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि शाबाशी लेने के लिए काम करते हैं, दलबंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की इच्छा न हो, अर्थात जो सभी कामनाओं यानी इच्छाओं से दूर हों, परमार्थी हों, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठें। ऐसी नींव की ईंट किधर है? हमें ढूंढना होगा, जिसके उदय के लिए हमारा समाज व्याकुल है। ऐसी नींव की ईंट हमारे देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। तो इस तरह से इस नींव की ईंट निबंध के माध्यम से लेखक ने बताया कि आज भी हमें नींव की ईंट बनने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज के लिए अपने आप को चुपचाप कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे। अब हम राम वृक्ष बेनीपुरी से कुछ परिचित हो लें। लेखक परिचय, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 1902 ईस्वी और 1968 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। बचपन में माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात यानी बाद कठिनाइयां सहते हुए मैट्रिक पास की। सन 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े, फिर अध्ययन छोड़कर राष्ट्र की सेवा में लग गए। देश सेवा करते हुए कई बार वे जेल भी गए, वहाँ भी यानी जेल में भी क्रांतिकारी रचनाएं करते रहे। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उस पर एक नज़र डालें, आम्रपाली, वे एक नाटक है,
पतितों के देश में यह एक उपन्यास है। चिता के फूल एक कहानी है। गेहूं और गुलाब पैरों में पंख बांधकर, ये जो दो रचनाएं हैं वो यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत यानी किसी जगह की हमने यात्रा की और उस पर जो लेख लिखे गए वह यात्रा वृतांत कहलाते हैं। जंजीरें और दीवारें उनके संस्मरण हैं। अब शब्दार्थ पर एक दृष्टि। सुघर का अर्थ होता है सुंदर बनावट वाली। शिवम का मतलब कल्याणकारी, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है कल्याणकारी है सुंदर। बेतहाशा का मतलब बिना सोचे समझे, बहुत तीव्रता से तेजी से। और अस्तित्व का अर्थ होता है वजूद, कहते हैं तुम्हारा क्या वजूद है, तुम्हारी क्या हस्ती है, उसी को अस्तित्व कहते हैं। शहादत का मतलब बलिदान कुर्बान। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। वासना का अर्थ इच्छा। कंगूरों, देखते हैं मंदिर का जो सबसे ऊपर जो कलश रखा हुआ है, सबसे ऊपरी भाग, वही जो शिखर है चोटी गुंबद, उसी को कंगूरा कहते हैं। लोक लोचनों, तो लोक मतलब जनता, लोचन कहते हैं आँख, यानी जनता की आँख, जनता की दृष्टि। पायदारी मतलब मजबूती। अंध को मतलब अंधेरा कुआं। विलीन मतलब गायब हो गया, पहले था अब विलीन हो गया, नष्ट हो गया, गायब हो गया। अनाम बिना नाम के, विदाउट नेम, यानी नाम रहित। होड़ा होड़ी का मतलब प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ मची रहती, उसी को कहते हैं होड़ा होड़ी। आतुर का मतलब है बेचैन। आवरण यानी पर्दा। अस्ति नास्ति का अर्थ है होना न होना। अस्ति मत होना, नास्ति न हो। मुनहसिर कहते हैं आश्रित होना। स्वच्छ मतलब क्लीन साफ। मौन मुख मतलब चुपचाप। उत्सर्ग मतलब बलिदान। अनुप्राणित का मतलब प्रेरित, प्रेरणा से बना, अनुप्राणित प्रेरित। चुनौती मतलब ललकार या चैलेंज। तो अब बच्चों इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उसकी चर्चा मैं करता हूँ। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, आम तौर पर दुनिया क्या देखती है। ख, हम सत्य से दूर क्यों भागते हैं। ग है, लेखक किस ईंट को धन्य मानते हैं। घ, नीव के ईंट ने अंध को क्यों स्वीकार किया, कुछ तो कारण हो। अंग है, नए समाज के निर्माण हेतु हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें जिससे कि हमारा नया समाज बने। अब अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इसका क्या मतलब हुआ। क है, सुंदर
सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, चाहे वह बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। ख में है सुंदर समाज बने, इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना ही पड़ता है। ग है अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है और नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। क्या मतलब हुआ? यानी कि आज सब कंगूरा बनने के लिए तैयार है, लेकिन नींव की ईंट बनने की जो इच्छा है वो समाप्त हो रही है। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क है, सत्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए बताइए कि हम सत्य से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। ख है कि लेखक कंगूरे के गीत गाने वालों को नींव के गीत गाने की सीख क्यों देते हैं? यानी कहते हैं कि नहीं, गीत गाओ तो नींव की ईंट की, कंगूरे का नहीं, क्यों? गह है समाज के निर्माण के लिए हमें कैसे नौजवानों की आवश्यकता है। घ नींव की ईंट निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आखिर इस पाठ का उद्देश्य क्या है? लेखक क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? और अंग है कि नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट में क्या अंतर है? ईंट तो दोनों है, लेकिन एक दिखाई नहीं दे रही है, वो नींव की है, वो नीचे है और कंगूरा ऊपर है, उसकी ईंट ऊपर है। तो नींव की ईंट और कंगूरे की ईंट में क्या अंतर है? तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी फेयर कॉपी में तैयार कर लेंगे और उसका आंसर व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे। शेष बाद में। धन्यवाद।